पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करती हाँ। प्रैगनेंसी की गल करिए ते प्रैगनेंसी के दौरान खास देखभाल की लोड़ हुंदी है, माहिर की सलाह की लोड़ हुंदी है। घर दे विच वड्डे बजुर्ग हुंदे ने, बड़ा कुछ समझाउंदे ने, पर फिर भी कुछ कॉम्प्लीकेशन इदा दियां हुंदियां ने जदों सानूं अपने डॉक्टर कोल जाना पैंदा है, ठीक सलाह लैनी पैंदी है। तो इस विषय पर गलबात करन लई असीं अपने पंजाबन टीवी के स्टूडियो दे विच खास तौर पर बुलाया डॉक्टर गगनजोत कौर जी नूं, जिहड़े कि औरतां दे रोगां दे माहिर ने। बहुत बहुत इन्हां स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। इत्थों इस एपीसोड की शुरुआत करदे हां कि एक लड़की जिहड़ी प्रैगनेंट है वो चाहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होवे, बड़ी आरामदायक होवे, ते इहदे लई उहनूं पूरे ट्राइमेस्टर दे विच की कुछ जिहड़े है एहतियात वरतने चाहीदे ने। सब तो पहला तो आप अगर नॉर्मल डिलीवरी की गल करिए, नॉर्मल असल मतलब ये बनता है कि मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी एंड हैप्पी हॉस्पिटल के विचों कट्ठे डिस्चार्ज होकर घर जाए। सो वैदर इट इज़ अ सजेरियन सैक्शन और इट इज़ अ वजैनल डिलीवरी, वो एक्चुअली बिल्कुल एंड दे उपर आके ही आप एज अ डॉक्टर असी असैस कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ एक चीज़ा है जिहड़िया कि हैल्प कर दियां ने एक पेशेंट की डिलीवरी वजाइनल नॉर्मल हो जाए उस दे विच, जिस तरह कि एक एक्टिव लाइफ स्टाइल। कई बार तुसी देखिया होएगा कि पेशेंट्स बिल्कुल बैड रेस्ट ते रह जांदे ने, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा खा के अपना वेट बहुत ज़्यादा वधा लैंदे ने, या कई बार कुछ इदां दियां कॉम्प्लीकेशनस हुंदियां ने जिस दे विच सानूं उन्हां नूं बैड रेस्ट ते रखना पैंदा। सो इदां दियां कुछ एक चीज़ा ने जो कि पहला ही प्रीडिस्पोज करदियां ने कि पेशेंट दा सजेरियन सैक्शन वल थोड़ा जिहा जो है चांसिस ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट ले रहे हैं, कंट्रोल दे विच उहदा वेट गेन हो रहा है, प्लस उहदा जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव है, घर के काम कर रही है, नॉर्मल अपनी वॉक कर रही है या एक्सरसाइज कर रही है, होर कोई एडिशनल कॉम्प्लीकेशंस अगर नहीं है तो डेफिनेटली शी विल हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। जी जी। तो जे एन वक्त के मौके पर जो डिलीवरी का टाइम होंगे उस वे डॉक्टर वालों जो कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ये सिजेरियन करना पैना जिन्होंने वड्डा ऑपरेशन है ना, लोग डर जाते हैं नाम देके वड्डा ऑपरेशन है ना, तो पैनिक हो जाते हैं परिवार वाले कि असी सिजेरियन नहीं कराना, असी नॉर्मल डिलीवरी ही करानी। इदा क्यों पैनिक हो जाते हैं कि ये वड्डा ऑपरेशन वाकई बहुत वड्डा होंदा? आई थिंक ऑपरेशन का नाम ही वड्डा है, सो पेशेंटली डेफिनेटली वो ऑपरेशन वड्डा है, बट डॉक्टर जो रोज़ कर रहे हैं उन्होंने लिए वो वड्डा नहीं है। सो बट हाँ, डेफिनेटली इवन आई बिलीव इन दिस कि अगर कोई एक चीज़ अगर नॉर्मल जो जिसनों असी नॉर्मल कहते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो हो सकती है, तो डेफिनेटली उसकी ट्राई लेनी चाहिए नॉर्मल की। बट अगर कुछ एक जिदा मैं दसा कि कॉम्प्लीकेशनस है मदर नू या बेबी नू, फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्कुल केस 9 months ठीक चल रहे हैं, एंड दे उपर आके अगर कई बार सानू लगता है कि बच्चे ने मिकोनियम या कि जो पॉटी है पॉटी निकल गई बच्चे दी, क्योंकि बच्चा अंदर किसी ना किसी वजह नाल स्ट्रेस दे विच आ गया, कई बार पानी घट जाता है बच्चे का, कई बार बच्चे के गले के आसपास नाड़ू घूमे होंगे जो कि बेबी नू नीचे नहीं आन दे रहे हड्डी तो बाहर, कई बार कोई ब्लीडिंग इस तरह की हो जाती है या बच्चे की धड़कन घटन लग जाती है। मदर दे विच अगर देखिए कई बार कुछ एक इदां दी कॉम्प्लीकेशनस हुंदियां ने जिस करके सानू सजेरियन का डिसीजन जो है लेना पैंदा है। सो बट इस दे विच घबराने की जरूरत आई थिंक बिल्कुल नहीं है एज ए डॉक्टर, मैं तो खैर यही कहना है, बिकॉज अगर आप गल करिए इस दे विच ते अपने कोल चॉइसिज़ है, सो दैट इज़ वाई पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नॉर्मल का भी चांस है, सर्जरी का भी चांस है। कुछ एक चीज़ा इदा दी ने, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल केसिस देखिए, हार्ट अटैक के केसिस देखिए, जिथे साडे कोल ऑप्शन ही कोई नहीं होंदी, आपने कोल जो ऑप्शन एक ही है आपां नूं फॉलो करनी पैणी है। बिल्कुल सही। सो ये एक ह्यूमन नेचर है जिथे सानूं ऑप्शनस मिलदी है ते आपां ईजी ऑप्शन वल जाना चाहते हैं, सो दैट इज़ वाई जो ये ऑपरेशन का जो पैनिक है, जो फोबिया है, आई वुड से पेशेंट नूं भी प्लस उहदे रिलेटिव्स नूं भी हुंदा है। बट आई एम श्योर कि हुण टैक्नीक्स इन्नियां अच्छियां हो गई, साइंस ने इन्नी ज़्यादा तरक्की कर ली है, बिकॉज हुण 3rd-4th day सारे हॉस्पिटल्स जो है वो पेशेंट्स नूं डिस्चार्ज भी कर देंदे है, सैकेंड डे पेशेंट्स अपने आप ते चल के फिर के खाना पीना स्टार्ट कर देंदे है। सो आई थिंक विद टाइम इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई ने, सो पैनिक की जरूरत नहीं है, बिकॉज फाइनली जो 9 months का आप सफ़र किया है, जो पेशेंट ने सफ़र किया है वो एक एक हेल्दी बेबी लिए किया है, और अगर टाइम के उपर आके अगर कोई कॉम्प्लीकेशन होंगी है और अगर मदर और बेबी नू कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली नोबडी वॉन्ट्स दैट। जी बिल्कुल। so, अपने वालों तुसी असी पेशेंट हर बंदा ये चाहता है कि एक हैप्पी फैमिली होकर साढ़े है ना हॉस्पिटल तो हर एक जाना चाहिए।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मेरे मन दे विच ये सवाल आ रहा है कि अक्सर जदों सिजेरियन डिलीवरी हुंदी है तो उस वेले घर दे जिहड़े कई बार इदां वड्डे बजुर्ग भी कहिंदे ने कि तैनूं हुणे नहीं पता लग रहा, तैनूं बाद चों पता लगूगा। जी ये बाद चों पता लगन वाला जिहड़ा चैप्टर है इहदे विच की आंदा, कुछ बाद चों कॉम्प्लीकेशंस हुंदियां कि नहीं? नहीं, कोई कोई कॉम्प्लीकेशंस नहीं हुंदियां। इफ इट हैज़ बीन डन इन गुड हैंड्स इन गुड सेंटर्स ते कोई प्रॉब्लम्स नहीं आंदियां। तुसीं सरप्राइज़ होवोगे देख के कि जो लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने 80% एक सर्वे होया सी पिछे जे अपनी इंडिया दे विच 80% गायनेकोलॉजिस्ट दे अपने ही सिजेरियन होए सी। इवन आई एम वन ऑफ देम। ओके, सो इस तरह नहीं है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स ही करते हैं, डॉक्टर्स दे अपने भी होंगे ने और कई बार तो बहुत लोग बाय चॉइस कराते हैं। सो कॉम्प्लीकेशन देखो नॉर्मल डिलीवरी दे विच भी घट नहीं है, अगर आप कॉम्प्लीकेशन से आईए तो कॉम्प्लीकेशन उस दे विच भी बहुत ज्यादा ने। सो जो चीज़ ठीक हो जाती है आपको ईजी लगती है सो आप प्रेफर करते हैं। मतलब बाद चो पता लगन वाला है कोई ऐसी बिल्कुल कोई ऐसा सीन नहीं है जी। तो फिर वापस आंदे अपनी गल ते कि प्रेगनेंसी दी असी गल कर रहे सी, प्रेगनेंसी दे विच जिहदा थकान दी प्रॉब्लम भी काफ़ी रहती है ना। आम तौर पर कुड़ियाँ शिकायत करती सानू थकान बहुत रहती है, साढ़े तो उठाया नहीं जाता जी, तो उस कंडीशन दे विच की किया जा सकता? असी इनू अपनी टर्म्स दे विच लिथार्जी कहने कि पेशेंट लिथार्जिक होंगे। दिस इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ प्रैगनेंसी इटसैल्फ, बिकॉज प्रैगनेंसी दे विच जो हॉर्मोनस मेन जो प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन असी कहने वो थोड़ा जिहा रिलैक्सिंग हॉर्मोन है, वो एक्चुअली जो आई थिंक जो साड़ी सुप्रीम पार ने वो बनाया होएगा, वो इसीलिए बनाया होगा कि पेशेंट एक्सपेक्टिंग है, उसके अंदर बेबी है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप नू ओवर एग्जर्ट एंथुजियास्टिकली बहुत ज़्यादा काम ना करे। शी शुड बी रिलैक्सिंग अ बिट सो दैट जो बेबी है अंदर वो सेफ रहे। सो बट वह हूँ जो साइड इफेक्ट है, अजकल सब दे लाइफ स्टाइल एक्टिव है, बहुत सारी लेडीज़ जो आई थिंक मैक्सिमम लेडीज वर्किंग है, सो इसलिए उन्होंने लिथार्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा आप देखते हैं। बट नंबर वन दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी इटसेल्फ, नंबर टू इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनएडिकुएट डाइट जो आप लेने, आयरन कैल्शियम वाइटामिन डी ये डेफिनेटली साड़ी डाइट के विच होना चाहिए, अदरवाइज सानू ये डॉक्टर्स के कोलों प्रिस्क्राइब करा के अपने जो सबस्टीट्यूट है वो लेने चाहिए ने। प्लस कुछ ना कुछ मल्टीवाइटामिन्स या जो जिस भी चीज़ की तुहाडे अंदर कमी है अगर वो कंप्लीट होएगी तो ये लिथार्जी जो है काफ़ी हद तक घट जाती है जी। तो जे ट्रैवलिंग की गल करिए तो एज अ डॉक्टर तुसीं की सुजैसट करदे हो कि प्रैगनेंसी दे विच ट्रैवलिंग जिहड़ी करनी है वो ठीक रहिंदी है? अगर कोई छोटा सफ़र है और अगर स्मूथ राइड है दैन प्रैगनेंसी दे विच यूजली किसी भी मंथ दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट वी यूजली टेल पेशेंट्स टू अवॉयड रफ रोड्स, बंपी रोड्स या लॉन्ग ड्राइव्स जिहड़ियां कि थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड है, कोई पहाड़ी सफर है, कोई रफ राइड्स है, वो डेफिनेटली सारे मंथ्स दे विच ही अवॉयड करनी चाहिए जी। तो इतने एक होर प्रॉब्लम की मैं गल करांगी कि प्रैगनेंसी दे विच इचिंग की प्रॉब्लम भी कई बार आती है ना, खारिश जिहड़ी है वो होंदी है, उहदे लई कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, इहदा की कारण हो सकदा? सब तो कॉमन चीज़ अगर आप देखिए तो किसी भी चीज़ तो कोई फूड आइटम तो या कोई कॉस्मैटिक तो कोई सोप तो एलर्जी, सो वो एक बड़ी सिंपल जी चीज़ है और बहुत कॉमन है। और प्रेगनेंसी दे विच बिकॉज एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है तो इसलिए साड़ी इम्यूनिटी जो है प्रेगनेंट लेडीज़ की कटी होंगी है जी, जी। सो उस दे विच एलर्जन्स का जो है वो इफेक्ट वो कई बार ज़्यादा हो जाता है। सैकेंड जो मेन जो साड़ी गायनी दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो प्रेगनेंसी होंगी जिस करके इचिंग होंगी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो लिवर के जो एंजाइम्स ने वो रेज्ड हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स है वो वध जाते हैं, सो उस करके जो है वो प्रेगनेंसी दे विच इचिंग बहुत ज़्यादा। बट ये यूजली लेटर मंथ्स दे विच 7th, 8th, 9th मंथ्स दे विच ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो डेफिनेटली टेस्ट इन्वेस्टिगेट करा के ही आपां नूं पता लगेगा कि किस वजह करके एलर्जी जो है या जो इचिंग है वो हो रही है जी, जी। अगर सिंपल एलर्जी है आपां एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं, अगर ये कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसीज है तो फिर यदा कोलिस्टेसिस का ट्रीटमेंट सानूं देना पैंदा है, बिकॉज अदरवाइज वो मदर नूं तो इचिंग कर रहा है बट वो अंदर बेबी नूं काफ़ी हार्म कर देता है जी, तो नुकसान है। इफ अनकंट्रोल्ड इट कैन लीड टू even death of the baby in the womb. अच्छा, मतलब बहुत ध्यान देने वाली ये गल है, इनू लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जे इचिंग दी प्रॉब्लम तुहानू प्रेगनेंसी दे विच आ रही है तो इमीजिएटली तुसी अपने डॉक्टर नाल कंसल्ट करो, सलाह करो तो इसका प्रॉपर इलाज जिहड़ा है वो उस वेले होना चाहिए। इस तरह डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि स्वेलिंग दी प्रॉब्लम भी आती है कई बार, देखिए कि प्रेगनेंसी दे विच पैरां दे विच बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसका की कारण हो सकता है? एक फिजियोलॉजिकल है जो कि रूटीन च एज वी डिस्कस्ड के वेट गेन होना प्रेगनेंसी, सो वन इज दैट। सेकंड इज के बिकॉज प्रेगनेंसी दे विच जो यूटरस दा साइज इंक्रीज हो रहा है वो
कुछ ना कुछ ब्लड वैसल्स के उपर प्रैशर पाता है। सो ये प्रैशर चेंजेस हैं जिस करके जो ब्लड है वो स्टैगनेंट हो गया, जो फ्लूइड है वो बार एक्सट्रा कंपार्टमेंट्स च आ गया। दैन बीपी वधिया जिन्ना पेशेंट्स का हुंदा है उन्ना च, प्लस किसी कोई किडनी की प्रॉब्लम है, प्लस जिन्ना पेशेंट्स के विच ब्लड घट है, अगर हीमोग्लोबिन घट है दैन ऑलसो ये जिहड़ा फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेन जो अपने इंडियन सिनैरियो च असीं देखिए तो बीपी वधना प्लस जो ब्लड का एच बी का घटना, दिस इज द मेन रीजन फॉर स्वेलिंग इन द फीट। कई बार बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंट्स खड़े रहेंगे जिन्हों का कम इदा है वर्किंग जो लेडीज उन्होंने भी ये प्रॉब्लम देखने को आती है। जी जी बिल्कुल ठीक तुम्हें कहा, तो यह भी एक प्रॉब्लम देखने को आती है। कई बार लेडीज़ जी प्रैगनेंट है वो पहले ठीक होंगी जो प्रैगनेंसी नहीं होंगी, प्रैगनेंसी के दौरान उन्होंने डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो उस वे कहें कि असं मिठा नहीं खा सकते सारे टेस्ट के शुगर आई है, तो यह प्रैगनेंसी के दौरान शुगर का होना की यह नॉर्मल है? नॉर्मल तो डेफिनेटली नहीं है, बट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिन्हों के बीपी वधना कहने हैं, प्लस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज जिन्हों असी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस GDM कहने हैं। सो ये नोन फैक्ट्स है और ऑलमोस्ट तुसी मान के चलो कि 100 दे विचों एक या दो पेशेंट्स नू ये इफेक्ट करती है जो शुगर है। बट तुसी जिस तरह मैं बीपी का दस्या कि ये अगेन 6 months तो बाद ही अपने कोल टेस्टां दे विच आना स्टार्ट हुंदी है, एंड आफ्टर डिलीवरी 6 weeks तो बाद ही नॉर्मल दे विच भी आ जांदी है। जी जी रेंज अपने आप ही नॉर्मल अपने आप ही डिलीवरी तो बाद नॉर्मल जड़ी जी हो जांदी है। बट इन द मीन टाइम जिस टाइम ते वधी हुंदी है वी नीड टू गिव पेशेंट्स द मेडिसिंस, खास करके इंसुलिन असीं देने हैं ना पेशेंट्स जी। ते गेस्ट शुगर है ना, मैं सुनया कि क्या जांदा कि गेस्ट है, मेहमान है, गेस्ट है एक्चुअली वो जेस्टेशनल तो उन्होंने जेस्ट बनाया हुआ है, सो दैट इज दैट गेस्ट शुगर, इसलिए ऐसे कहते हैं। बट इदां दे पेशेंट्स लेटर इन लाइफ आर प्रोन टू हैव डायबिटीज देमसेल्स, और इन्हां दे जो बेबीज पैदा हो रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स दे उन्हां दे विच भी लेटर ऑन इन लाइफ, अगर वो फीमेल है तो उसकी प्रेगनेंसी दे विच, अगर वो बॉय है तो दैन ऑलसो लेटर ऑन उन्हां दे विच भी डायबिटीज होने के चांसेस होंगे, चांसेस जड़े हो सकते हैं। इसलिए कोई भी पहले तो ध्यान तो रखा फिर नहीं जा सकता क्योंकि इनू हार्मोनल चेंज जी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जो कि डेफिनेटली आप इनू टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट आप इनू कंट्रोल जरूर कर सकते इफ टाइमली आप इनू डिटेक्ट कर लिए एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो जी कॉम्प्लीकेशन है वो अवॉइड कीतियां जा सकदियां ने। जी जी ते डॉक्टर साहब जिन्हां नू थायराइड है उन्हां नू प्रेगनेंसी दे विच खास देखभाल दी लोड हुंदी है कि या उन्हां दी प्रेगनेंसी उदां ही नॉर्मल चलदी है? नो, थायराइड जो आपां नू सब नू पता कि हॉर्मोन है नंबर वन, ते ये प्रेगनेंसी होण दे विच भी ट्रबल करदा है। बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी दे पेशेंट्स असीं अपनी ओपीडी च देखते हैं उन्हां दे विच टेस्ट्स दे विचों हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड रिवील हुंदा है और ज़्यादातर पेशेंट्स हाइपोथायरॉयड दे आंदे है। सो वंस दे आर कंसीव्ड अगर उन्होंने प्रेगनेंसी हो भी जाती है दैन एबॉर्शन के चांसिस फस्ट 3 months के बहुत ज़्यादा होंगे है। लेटर ऑन अगर ये अनकंट्रोल चलता रहता तो किसी भी ट्राइमेस्टर के बेबी की इंटरनल ही डैथ होने के भी चांसिस होते हैं। सो थायरॉयड के पेशेंट्स वास्ते खास करके सानू ध्यान रखने की लोड़ है, वी यूजली कंसल्ट अवर एंडोक्रेनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ऑलसो इन दीज रिगार्ड्स, बट अदरवाइज रूटीन दे विच एवरी 2 monthly या एवरी 3 monthly या कई बार बहुत फ्रीकुएंट भी सानू टेस्ट इन्हां दे कराने पैंदे एंड द मेडिसिंस हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। जी ते बहुत जरूरी है कि जे थायराइड है ते बिल्कुल अपनी जिहड़ी प्रेगनेंसी दा टाइम है खास ध्यान रखा जाए, कुछ मेडिसिंस बेबी वास्ते खास करके बेबी वास्ते बिकॉज़ ए थायराइड दा डायरेक्ट इफेक्ट बेबी दी हेल्थ ते आना है। जी ते बहुत जरूरी है कि जे कोई भी समस्या प्रेगनेंसी दे विच आंदी है ते खास ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ये होंदा घर दे विच असीं कुछ नुस्खे अपना लैने जिन्हों कहने नीम हकीम खतरा है जान है ना, कुछ नुस्खे अपना लैने ते उहदे फायदे दी थां ते सानू नुकसान जिहड़ा उहदा हो जांदा है। ते इदां ही डॉक्टर साहब जिस तरह मैं गल कर रही सी कि जिदां थकावट रहिंदी है बहुत ज़्यादा आराम करन नू दिल करता है ते घर दे भी कह देंदे ने कि इहदे तों तां प्रेगनेंसी दे असीं तां इन्ना इन्ना कम करदे सी, असीं तां पोचे भी लांदे सी, असीं तां इह भी कम करदे सी ते इह तां सारा दिन सुत्ती रहिंदी है, इहनू तां नींद ही आई रहिंदी है, ते इह इह मतलब जिहड़ी सोच है इह किद्दां बदली जा सकदी है कि क्योंकि शरीर उस वेले आराम मंगदा है शायद। आई थिंक देखो इस दे विच प्रेगनेंसी दे विच सानू सारी एज अ फैमिली अगर आपां गल करिए ते सारे फैमिली मैंबर्स नू एक दूसरे दी सपोर्ट डेफिनेटली करनी चाहीदी है बिकॉज मूड स्विंग्स हुंदे
ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸੌਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟੇ ਐਕਟਿਵ। ਐਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਅੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਮਾਇੰਡ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੰਡੋਲਾ ਟਰੈਵਲਸ, ਬੁੱਕ ਯੋਰ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਸ ਆਨਲਾਈਨ। Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Gandola Travels. Call 209-800-8808. Website www.gandolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਏਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪੈਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਏ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨੇ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਖੱਟਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਚ ਐਵਰ ਬੇਬੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਕਪਲਸ ਹੂ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਾਊਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਥ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 6 weeks ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 40-42 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਬੀ ਇਟ ਨੋਰਮਲ ਬੀ ਇਟ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਈਵਨ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਛਿਲੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਟ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡੂ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲੱਸ਼ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਡਾਇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਟ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਡਾਇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜੀਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਖਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਘਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਕਲੀਗਸ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਈ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਓ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਬਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਮੀਲਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਜੋ ਫਸਟ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦ ਬੇਬੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 to 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ 9 months ਆਫ ਦੈਟ ਸਟਰਗਲ, ਇੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 week to 10 ਡੇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨਸ, ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਗਿਵਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਰਤ, ਹਲਕੀ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 6 weeks ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫੋਰ ਦ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ ਟੂ ਰਿਕਵਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਲਸ ਬਹੁਤ ਸੋਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ 6 weeks ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਐਟਲੀਸਟ 6 months ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਿਸ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿਸ ਨੀਚੇ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੀਨੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
यूरिन की जगह भी उत्थे ही है, प्लस जो ब्लीडिंग होनी है, पैड रखा जाने, वो सब कुछ बहुत क्लोज प्रोक्सीमिटी है। सो उन्होंने केसिस दे विच टाइम्स कई बार अगर एंटीबायोटिक कवर नहीं अच्छा, या कई बार पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी काफ़ी लो होंगी है, या वो अपना हाइजीन प्रॉपर नहीं रख पाते बाद दे विच, तो उत्थे इनफेक्शन के चांसिस होंगे। इसी तरह सजेरियन सैक्शन के सजेरियन के जो स्टिचिज लगे होंगे, अजक यूजली तुम देखा होना हर कोई लोअर स्टिच जो है वो लगा रहे हैं, उत्थे भी यही प्रॉब्लम होंगी है कि कई बार पेशेंट की इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है, या कोई इनफेक्टिव सोर्स अगर कोई होर है, तो उसके नाल कई बार इनफेक्शन दे या पेन की कोई कंप्लेन जो है वो पेशेंट्स करते हैं करते। डॉक्टर साहब एक परसनल सवाल थोड़े नाल है कि तुम औरतों के रोगों के माहिर हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, तो डिलीवरी के वक्त की जो गल करिए, तो यदा वक्त जोड़ा है वह परमात्मा ने निर्धारित किया है, ये बारे किसी को नहीं पता। तो थोड़ा रूटीन किस तरह का रहा है कि जो सारे दिन की गल करिए या रात की गल करिए कि कदों भी हॉस्पिटल जाना पैदा होगा? आई थिंक द मोमेंट आई चोज टू बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा रूटीन उसी दिन खत्म हो गया। दुनिया सब सर्दी सुती होंगी है, 2 बजे 2:30 बजे यू नो धुंदा का टाइम होंगे, एंड आई हैव टू ड्राइव डाउन टू माई हॉस्पिटल फॉर डिलीवरीज, एंड आई मेक श्योर कि पर्सनली मैं 100% तो खैर कई बार नहीं भी होंगे, बिकॉज एट टाइम्स आई एम आउट ऑफ टाउन या कुछ, तो या मैं पहुँच ही नहीं पाती इन्नी जल्दी पेशेंट आके डिलीवर हो जाता, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एज मच एज आई कैन, एंड डेफिनेटली रूटीन तो डेफिनेटली नहीं रहा, बिकॉज राती कई बार 2-2, 3-3 बार भी सानू जाना पैंदा। सो द डे आई गैट अ स्लीप ऑफ 7 hours आई फील आई एम ब्लैसड ऑन दैट डे। सो ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम आई थिंक थ्रू आउट लाइफ रहेगी साड़ी जी, जी, जी। टाइम कोई नहीं है पर ये भी एक बहुत वड्डी ब्लेसिंग है ना, जदों कहंदे कि खजाना है एक तरह का, बच्चे छोटे बच्चे है ना, जदों तुहाडे थ्रू इस दुनिया दे विच आंदे ने ते ओदे वर्गी खुशी भी कोई नहीं है। आई पर्सनली फील वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस डिपार्टमेंट या एक स्ट्रीम जो साड़ी है गायनी या ऑब्स्टेट्रिक्स दी, that we are able to bring a new life to people and make people happy. So it's a blessing in itself, yes. ते डॉक्टर साहब तुहाडे नाल बड़ी वधिया बड़ी खूबसूरत गल्लां असीं कर रहे हां, ते एक गल ए वी करनी पैंदी है कि डिलीवरी तों बाद जिहड़ा पेट निकलिया हुंदा उहनूं लै के कई वारी बड़ा स्ट्रेस हो जांदा कुड़ियां नूं कि असीं पतले किद्दां होणा है या पेट कदों साडा बैठना है, ते उह किन्ना टाइम लग जांदा है, ते जे उह काफ़ी टाइम बाद भी जे पेट अंदर नहीं जांदा ते की कीता जा सकदा? एक्चुअली ये डिपेंड करता है साड़ी बॉडी के टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी के उपर। तुसी देखा होगा कई गर्ल्स जो है या कई पेशेंट्स जो है उन्होंने स्ट्रैच मार्क्स भी नहीं पैंदे, उन्होंने पेट बहुत जल्दी वापस आ जाता है, बिकॉज उन्होंने जो टोन है या इलास्टिसिटी है वो बैटर है। डेफिनेटली इस डाइट का भी बहुत वड्डा इफेक्ट है, पर जेनेटिक्स जो है जो उन्होंने अपनी खानदानी है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सो पेट बाहर जो आता है, देखो 9 months के बाहर आया, सो वी कैनॉट एक्सपैक्ट कि वो रातों रात अंदर चला जाएगा। एटलीस्ट जो द फ्लैब है या जो टिशू लूज हुए है, दे टेक ऑलमोस्ट मंथ्स टू गो इन, कम से कम 6 months का टाइम सानू देना चाहिए उन्हों अंदर जाते हुए। उस तो बाद इफ द पेशेंट वॉन्ट्स तो वो कोई भी एबडामिनल टोनिंग एक्सरसाइजिज जो है वो कर सकते हैं, जिस दे नाल के वो काफ़ी हद तक अंदर चला जाता है। जी, तो कई असं जिदा अपनी दादी नानिया तो इदा सुनिया सीगा कि जे डिलीवरी तो बाद पेट ते कपड़ा बन लो ते पेट अंदर हो जाता है, ते अजकल दी कुड़ियां कहंदी है कि बेल्ट बन लिती जावे ते पेट जड़ा है वो अंदर हो जाएगा, कि ये सेफ है? सेफ है, एंड बट सिर्फ कुछ एक टाइम लिए, आप 24 घंटे बेल्ट बनने की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, जो तुम लेटे हो तो खोल देनी है, वैन यू आर वॉकिंग अराउंड या सिटिंग अराउंड दैन यू कैन हैव दैट बेल्ट, बट वो भी थोड़ा बहुत तुहाडी टोनिंग करदी है। मेन जो तुहाडी टोनिंग होनी है वो तुहाडी डाइट के उपर, तुसी प्रोटीन ज़्यादा लोगे, कार्ब्स और फैट्स घट लोगे, प्लस उस तो बाद जो तुहाडी एक्सरसाइजेज है जो कि एबडामिनल मसल्स के उपर खास करके जो फोकसड होनगियां, उन्होंने नाल काफ़ी ज़्यादा और जल्दी इफेक्ट आ जल्दी इफेक्ट जरा वो आ जाएगा। तो प्रैगनेंसी तो एज की गल करिए कि ये ठीक है कहना कि जे अर्ली प्रैगनेंसी है, मतलब जे 20-21 साल के लड़की प्रैगनेंट होंगी है तो वह ज़्यादा सेफ है, तो उन्होंने कोई कॉम्प्लीकेशन नहीं आएगी, तो जे 30+ की प्रैगनेंसी है तो उन्होंने कॉम्प्लीकेशन ज़्यादा आएगी? देखो सब दे बॉडी दे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक हुंदा है, और ये लेडीज़ दे विच ते खास करके अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो
टिक करता रहता है. सो अगर आप देखिए कि हर एक लेडी के अंदर एक फिक्सड अमाउंट ऑफ एग्ज है जो कि वो बर्थ टाइम तो ही मतलब फाइनलाइज है कि किन्ने अंदर एग्ज बने हैं. सो उन्होंने ही एग्ज मैच्योर होंगे और रपच्चर होकर फर्टिलाइज होंगे. बिफोर 18 ईयर्स जो बच्चा है बहुत यंग होंगे, द बॉडी इज़ वेरी नेव, सो उस टाइम तो प्रेगनेंसी रिकमेंडेड नहीं है. अर्ली प्रेगनेंसीज डेफिनेटली बिलो 30 ईयर्स रिकमेंडेबल है, बिकॉज 30 तो बाद कुछ एक हॉर्मोनल चेंजेस, कुछ एक बॉडी की अपनी फिजिकल चेंजेस आनिया स्टार्ट हो जाती है, तो जो फर्टिलिटी लैवल्स है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं. सो बेस्ट टाइम जो असी प्रेगनेंसी का मन के चलिए वो 20 to 25, या जिदा अजकल थोड़ा बहुत वर्किंग लेडीज हो गए तो मैक्सिमम 30 ईयर्स इज द बेस्ट टाइम टू हैव फर्स्ट चाइल्ड. 30 ईयर्स तो उपर असी उन्हां नू एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा का नाम दिंदे आ, जिस दे विच के बीपी, शुगर, थायरॉयड प्लस कुछ कुछ होर इनफर्टिलिटी के चांसिस होंदे, जो रिस्क है वो ज़्यादा वध जांदे आ. आफ्टर 35 ईयर्स अगर आप गल करिए तो जो बेबी कंसीव उन्होंने किया है उस दे विच बर्थ डिफेक्ट्स दे जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते, जिदा कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमीज होर है, मोनोजोमीज है, उन्होंने चांसेस विद एज समहाउ जो म्यूटेशंस होन करके वो जिहड़े चांसेस और रिस्क बढ़ जाते हैं. जी ते मतलब जे प्रेगनेंसी टाइम ते प्लान की जाए तो वह ज़्यादा सक्सैसफुल होएगी, तो कॉम्प्लीकेशन जी घट होएगी. डॉक्टर साहब तुसीं साढ़े पंजाब वन टीवी दे स्टूडियो दे विच आए, प्रेगनेंसी नू लैके या डिलीवरी तो बाद दी जिहड़ी कॉम्प्लीकेशनस है किद्दां उन्हां नू दूर किया जा सकता, तुसीं बड़ी विस्तार दे नाल दर्शकां नू समझाया, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.